अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। शब्द से अब आपको परहेज करने की, इसको इस्तेमाल करने की रोक लगाने पर क्यों सूझ रही है? हाई कोर्ट हो या सरकार हो, आपको दलित शब्द से खतरा क्या है? या तो आप खुल करके बताइए, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्यों अब इस पर आपको मीडिया का मुंह बंद करने की सूझ रही है। ये बात मेरे भेजे में नहीं बैठ रही है। दलित का मतलब है जो बचपन से सताए गए हैं, मारे गए हैं, कुचले गए हैं, इनके साथ में भेदभाव हुआ, जातीय भेदभाव हुआ है। इन दलितों ने मिलकर ही दलित शब्द को निकाला है और बहुत लड़ाई के बाद ये शब्द को इस्तेमाल किया गया है। धीरे धीरे दलित शब्द मीडिया में आने लगा, मीडिया वाले अपने लेखनी में, अपने भाषा में प्रयोग करने लगे और दलित शब्द से हमको ताकत मिलती है, क्योंकि दलितों में भी अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग कास्ट में लोग बंटे हैं और सारी कास्ट को मिला करके एक शब्द किया गया है दलित। मुझे याद है महात्मा गांधी जी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया था और जब हरिजन का नाम दिया था तो सारे दलित मिलकर के और जो एक्टिविस्ट हैं, जो संस्थाएं हैं, जो लोग दलितों के हक अधिकार के लिए काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर के हरिजन शब्द पर चर्चा किए, विचार विमर्श किया। तो हरि का मतलब हुआ भगवान और जन का मतलब हुआ लोग, दोनों शब्द को मिलाकर हरिजन हुआ। तो दलित हरिजन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दलितों को अगर भगवान के मंदिर में, हरि के मंदिर में अगर वो चढ़ गए हैं तो उनको रोका गया है, उनको मारा गया, उनको पीटा गया है, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया है। तो जब वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, जब वो मंदिर में चढ़ नहीं सकते हैं, तो हरि के जन कैसे हो गए? दलितों ने कहा कि हम हरि के जन नहीं हैं, हम भी आम लोग हैं, जैसे बाकी और भी लोग इस संसार में, इस दुनिया में जी रहे हैं, हम वो लोग हैं। तो हमें हरि शब्द का, हरिजन शब्द का आप हमारे लिए प्रयोग मत करो। और बहुत लड़ाई के बाद में हरिजन शब्द पर कानूनी रूप से रोक लगाई गई। तो दलित शब्द धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में आ गया और जब मीडिया इसको अपनी लेखनी में उतारी, कवरेज के दौरान जब मीडिया इसके बारे में बोलने लगी तो हमको अच्छा लगने लगा और एक ताकत सी मिली, क्योंकि दलितों के अंदर भी, या जो एक जाति है, कहते हैं कि हर जाति में कई जातियां हैं, उप जातियां हैं उसमें, तो उनको ना बुला के आप एक शब्द का यूज करोगे। मुझे याद है
और जब भी मैं फील्ड के दौरान अभी भी जाती हूँ और हमने रिपोर्टिंग भी इन पर किया है कि लोग दलितों के अंदर जो जातियां हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करते थे, बुलाते थे। जैसे लोग बोलते थे चमार, डुमार, कोरी, खटिक, अरे, करे, तरे, ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। बोलते थे ये तो छोटी जातियां हैं और ये जो भाषा है एक तरह से गाली के समान लगती, चोट पहुंचाती है। और ये जो चमार डुमार के शब्द जो यूज करते हैं ना, ये दलित एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो अपने आप ऊंच जाति के मानते हैं। वो लोग ऐसे अपमानित शब्द, गाली वाले शब्द को निकालते हैं। तो अगर इन शब्दों को रोकने के लिए अगर दलितों ने एक शब्द दलित शब्द चुना है तो अब इसमें क्या रोक लगी है? क्यों सरकार अब इस पर एक और विवाद खड़ा करना चाहती है? मेरे हिसाब से सिर्फ दो तरह के लोग हैं, दो जातियां हैं। मैं उसको जाति का नाम भी नहीं दूंगी। संसार में जो मानव है वो दो तरह के प्राणी है, एक है महिला और दूसरी है पुरुष। ना मैं इनमें कोई जाति मानती हूँ, ना मैं कोई छोटा और बड़ा मानती हूँ। तो बस मेरा अनुरोध यही है कि हमारे शब्द को, हमारे दलित शब्द को आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इसमें आप किसी तरह की अब छेड़ छाड़ मत करिए। सदियों से चली आ रही जो जाति व्यवस्था है उस पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती है? जो हमारे वेदों में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया है, जिन जातियों को चार वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनको बताया गया है कि इनका जन्म यहाँ यहाँ से हुआ है, कौन किस जगह से पैदा हुआ है उसका वर्णन है, कौन क्या काम करेगा, ब्राह्मण का काम बांटा गया है, क्षत्रिय का काम बांटा गया, वैश्य का काम बांटा गया, शूद्र का काम बांटा गया, और वहीं से ये सारी गड़बड़ी पैदा हो रही है। तो अगर आप इस जड़ को खत्म करने का काम करो तो फिर न दलित शब्द रह जाएगा न कुछ भी रह जाएगा। जिस तरह जाति के आधार पर आपने लोगों के काम का बंटवारा किया है, आप उस पर रोक लगा दीजिए। लोगों की क्षमता के आधार पर, जो लोगों की जिस काम में क्षमता है, आप उस आधार पर लोगों की पहचान करिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिस चीज में काम करने की, सोचने की, अपील करने की जरूरत है, अगर उस पर अपील की जाए, उस पर काम किया जाए, तो शायद हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकता है। तो मेरे इतने साल के अनुभव और कवरेज के दौरान जो मैंने देखा है और जो मैंने महसूस भी किया है कि दलितों के साथ में किस तरह की हिंसा हुई है, उनके जब मैं बस्तियों में गई और जब मैंने कवरेज किया तो मूलभूत सुविधाओं से कितना वंचित है उनकी बस्तियां। पहली बात तो गांव से कई बार एकदम किनारे हैं, कोने में बसाई गई हैं, जहां पर पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा नहीं है, जिन पर सोचने की, बात करने की, चर्चा करने की और बजट खर्च करने की जरूरत है। आप उस पर विचार करिए, आप उस पर अपना दिमाग लगाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि दलितों का को ये लगे कि हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार पर ये सरकार सोच रही है, सरकार काम भी कर रही है। लेकिन आप ऐसे शब्द में फिर से आप मत उलझाइए, आप फिर से एक नया विवाद मत खड़ा करिए। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा, आप जरूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे फेसबुक में, यूट्यूब में और हमारी खबर लहरिया की वेबसाइट में आप जाकर के मेरे शो को देख सकते हैं। आप अपने इलाके के मुद्दे जरूर से शेयर करिए, जिनके बारे में आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, आप जरूर से करिए। और अगले शो में हम फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।